राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। और आज का स्पेशल व्लॉग जो कि करवा चौथ व्लॉग है, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं नहा ली हूँ और बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, अभी तक मैं तैयार नहीं हुई। मम्मी मुझसे बहुत देर से बोल रहे हैं तैयार हो जा, लेकिन पता नहीं मेरा स्लो मोशन काम रहता है। और मम्मी ने यहाँ पे हमारे लिए पूरी बना के तैयार कर दी है। अब मम्मी जो है पूजा की तैयारी कर रही है और मैं अभी तैयार हुई हूँ, मैं फिर भी अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं। सिर्फ पानी का लोटा जाएगा ना ऊपर, बस ना निकाल। क्या गिफ्ट लाए आप? पहले माँ को दो, पहले माँ को दोनों का जाए। मैं जो दोनों को पसंद है वो ले दी। बैठ तो जाओ, चुनरी लगा तुम्हें शर्म ना आए। हम उड़ेंगे जे चुनरी। क्यों है जे क्यों उड़ सकती है? बिल्कुल उड़ सकते हैं। अरे मम्मी सही है। अरे यार क्यों क्यों पूजा की तो पूजा की होती है ना। अब जो इन्हें पसंद है, जो तुम्हारा पसंद क्यों तो 70-80 साल की है ना। चुप रहा मम्मी, क्यों ना उड़ेंगे? देख रही हो अंजलि? नहीं मम्मी, अच्छी लग रही है, सुंदर ना, सुंदर लग रही है। हम साड़ी बना लिया। मिश्रा जी गिफ्ट लेकर आए भाई। हमारे पास चुनरी नहीं थी ना, माँ के पास में भी, माँ आपके पास में भी नहीं है ना ऐसी चुनरी। अच्छा किया ना तो ले आए, तभी तो मैं दो लाया। हाँ ऐसे ऊपर से दो तीन से डाले लाला को, जो अच्छी लगे तो हमें अच्छी लगी भाई, हम लाला को दिखे लाला पता है तब हम तो देखें। जो आपको अच्छी लगे हम जा देखेंगे। हमें एक पसंद आई है, हमें दिमाग जा देखेंगे लाला की, हमारी पसंद देख रही। अरे ओवर कड़ी जड़ी भी तो बहुत ज्यादा। अरे बहुत सही, वाह मिश्रा जी सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोनों के लिए एक एक अलग अलग चुन्नियां लेकर आए भाई, गिफ्ट में चुन्नी लाए हैं। मम्मी अकॉर्डिंग मतलब दिन के हिसाब से तो लाएंगे ना। हाँ दूसरी साड़ी, दूसरी दुपट्टा ये है भाई, दोनों ही बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। ये बहुत लंबी प्रक्रिया चालू हो चुकी है दोस्तों। ये सब श्री करवा चौथ व्रत कथा कार्तिक बड़ी चांद को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व सुहागन व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में कुछ नामक ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन मुख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सभी भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकल आया, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उन्होंने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर बुला करते हुए बोली कि हे मां, यह किस प्रभाव से उसका पति पुनः देवता से दृश्य भी जीवित हो उठा। सीधे हाथ की तरफ परिक्रमा दी जाती है बेटा, वो ये कह रही है तो सीधा हाथ की तरफ होगा। ये कोसी जा रही है अम्मी, बाम में एक एक फूल है कि किस लिए अपने बच्चा चढ़ा नहीं लिया, कि पूरी माला कैसे चढ़ेगी चंद्रमा पर। मतलब मम्मी ने बोला, मैं बताता हूँ, मम्मी ने बोला कि बेटा फूल ले लो चंद्रमा जी पे चढ़ाने हैं। तो अंजलि बोलती है कि मम्मी लेकिन फूल तो चढ़ जाएंगे, माला कैसे चढ़ाएंगे चंद्रमा पे? लेकिन उनको ये नहीं पता कि माला ये मुझको पहनाएंगी और एक माला मैं इनको पहनाऊंगा, है ना मम्मी? कब की बन रही वीडियो बोलो। हम चांद को इंतजार कर रहे हैं कि निकल है, जल्दी निकल है, प्यास लगी है, भूख तो ना लग रही है। किया निकली है, प्यास लग रही है। किया निकली है,
ससुर फ्लैट बन गए तो जा मारे ना निकल रहा हूँ इतनी देर से दिखाई ना रहा हुआ सास ना निकल इंतजार कर रहे हैं बैठे के निकल आवे हमारी बहू बैठी है बेचारी बहुत देर से मैं और मम्मी और मिश्रा जी वेट कर रहे हैं कि अब चांद निकले अब निकले लगभग 15 मिनट हो गए होंगे 15-20 मिनट आराम से है ना हमने 7 बजे से हम पूजा करके बैठे हुए थे कि चलो ठीक है जितनी जल्दी चांद निकल आए ना वो जल्दी फ्री हो जाएंगे लेकिन अब बैठे हैं भाई खाना पीना इंतजार कर रहे हैं माँ आपको प्यास लग रही है लग रही है प्यास लग रही है भूख नहीं लग रही है बस ये हाँ। लगता है थोड़ा पानी मिल गया पूरा दिन हमने पानी तक नहीं पिया है रात के कल रात से 11 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाया पूरा हमने हमारे में होता है ना व्रत हाँ। आप वो बताइए कि अपने यहाँ पे हमारे यहाँ एक्चुअली दोस्तों बहुत ही टिपिकल वाला व्रत रहता है शायद आप लोगों के ना रहता होगा कि आप लोग के यहाँ सर्गी दे देती है सास हमारे यहाँ नहीं होता या फिर सुबह 4 बजे के टाइम पे आपने कुछ खाना है या शाम के टाइम पे आपने पानी पी लेना है या चाय पी लेनी है ऐसा कुछ नहीं है अब मम्मी बताएंगे आप लोगों का हमारे यहाँ कैसे रहा जाता है माँ बताओ हाँ नहीं पानी पिया जाएगा ना नाश्ता दिया जाएगा ना सर्गी दी जाएगी हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा एक रात पहले से ही भूखे रहते हैं मतलब पहले से रात के 11:30 बजे से पानी कुछ पानी भी नहीं हम पी सकते हैं बस अब पूरा दिन हो गया ना हमने पिया है ना हमारी बहू रानी ने पिया है अब इंतजार कर रहे हैं चंद्रोदय हो तब हम लोग पान पूजन करके पति देवों की पूजा करें उसके बाद तब हम कुछ खाएं एनर्जी वैसे लो होगी मम्मी है नहीं हमारी तो नहीं हुई है भाई मेरी एनर्जी थोड़ी सी फिर नखड़न से वे पिए जाते हैं उनकी मम्मी बिचारी बड़ी बस प्रार्थना लो करती है भाई तब भी आते हैं पता नहीं जहाँ पटाखे चल तो रहे हैं मेरी मम्मी के यहाँ तो चांद निकला है पता नहीं हमारे यहाँ चांद कब निकलेगा मैं और मेरी मम्मी यहाँ वेट कर रहे हैं कि अब निकले मुँह सूख रहा है ठंडा मामा आ जाओ जल्दी आवाज़ नहीं निकल रही दोस्तों मैं ना जरा पूजा पाठ करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ भाई साहब चंदा मामा दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों कपड़े हटाओ बेटा चलो कोई नहीं इधर आ रहा है अच्छा अब और ऊपर रह गए हाँ इधर से देख रहे हैं क्लियर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ अंजलि मुझे तो जान दी क्या क्या हुआ कहाँ थे फ्लैक्स कहाँ जा रहा हूँ इस लड़की को मैं नहीं दिख रहा हूँ इसकी छन्नी में से अभी तो फ्लैक्स काज कर रहे थे अब दिखे आंखों में ऊपर आओ आंखों में आंखे दिखी नाक दिखी होंठ दिखे दाढ़ी दिखी पहले आपको पानी पानी क्या है नहीं
हमारी मम्मी कहती पहले चंदा मामा से कि चंदा मामा की मम्मी कहती चंदा मामा से बेटा जाओ जाने कितनी औरतें मैया बहना बैठी होंगी तुम्हारी इंतजार ना करने इंतजार अब ना जा रहा हूँ मैं चलो मेरा बेटा बहुत इंतजार कर रही होंगी भूखी प्यासी बैठी होंगी तू नकड़ी दिखा तो ना अम्मा मैं ना जा रहा हूँ निकल लेने एक साल बाद हमें नकड़ी तक देखने को मिलता है नकड़ी से भेजा था उनकी मम्मी बेचारी बड़ी प्रार्थना करती है तब भी आता है।